हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द बफर सॉल्यूशंस। सो बफर सॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल्स है, वीडियो लेक्चर एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। सो जो हमारा स्टडी मटेरियल है पीडीएफ एंड पीपीटीज फॉर्मेट के अंदर, तो वो आप डायरेक्टली फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर से ले सकते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस। कि हमारे पीडीएफ एंड पीपीटीज लेक्चर के सब्जेक्ट वाइज नोट्स, रैपिड रिविज़न नोट्स वगैरह हमने अपलोड किए हैं पीडीएफ फाइल के अंदर जीपैट, नाइपर, डीआईएन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। सो डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर ऑन दिस ऐप। सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या है, कि व्हाट इज़ पीएच। कि बफर सॉल्यूशन का जो यूज़ होता है टू मेंटेन द पीएच, कि जो भी कोई अलग अलग सॉल्यूशन है उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हम उसके अंदर ऐड करते हैं बफर्स। बट सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है उसको नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द पीएच, कि व्हाट इज़ पीएच। तो द डेफिनेशन ऑफ द पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, इट मीन्स H प्लस, एक्टिविटी इन ए गिवन सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो भी कोई सॉल्यूशन है, कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम अलग अलग सॉल्यूशंस जो है वो देख रहे हैं, कि ये जितने भी अलग अलग एक्वियस सॉल्यूशंस है, एक्वियस सॉल्यूशन, तो ये एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर जो H प्लस आयन होगा, H प्लस, उसका समझो कि मैं लॉग लेता हूँ और माइनस लॉगरिथम जो बनता है वो होगा पीएच। सो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए पीएच। द रेंज ऑफ द पीएच स्केल इज़ फ्रॉम 0 to 14। कि जो पीएच स्केल है उसकी जो रेंज, की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेंज 0 से स्टार्ट होती है और एंड होती है 14 तक। बीच में जो सेंटर पॉइंट है 7, इट इज़ ए न्यूट्रल पीएच। 7 से हम नीचे की ओर आते हैं तो दैट इज़ ए एसिडिक, और 7 से हायर वैल्यूज़ की ओर जाएंगे तो दैट इज़ ए अल्कलाइन और बेसिक पीएच। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस और पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस और pH इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस। तो सिंपल ये डेफिनेशन आप लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर। यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन दैट pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक्टिविटी इन ए गिवन सॉल्यूशन। सो मोस्ट IMP डेफिनेशन फॉर एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से सबसे पहले ये पीएच की डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है अ पीएच स्केल। तो पीएच इज़ ए स्केल यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देख रहे हैं ये अलग अलग एक्वियस सॉल्यूशन है, तो ये एक्वियस सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है, तो उसके अंदर वो उसकी एसिडिटी या फिर उसकी बेसिसिटी वो जानने के लिए या फिर उसको प्रॉपर स्पेसिफाई करने के लिए हम पीएच स्केल को यूज़ करते। कि लाइक इसलिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है कि नीचे की ओर जो है अलग अलग ये टेस्ट ट्यूब्स है जिसका कलर ऊपर का जो स्टैंडर्ड स्केल है, ये जो स्केल है उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड स्केल, और उसके कलर से हम मैचिंग करेंगे कि समझो कि ये वाला जो कलर है ये कलर तो येलोविश जैसा कलर है, येलोविश ऑरेंज, तो वो कलर ये वाले टेस्ट ट्यूब के साथ मैच हो रहा है। तो ये दोनों को समझो कि मैं मैच करता हूँ, तो ये वाले टेस्ट ट्यूब का जो पीएच है मैं पीएच 3 जितना कंसिडर कर सकता हूँ। सेम लाइक दैट ये वाली जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है उसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क है, बट इतना भी डार्क नहीं है कि मैं उसको 13 के अंदर कवर करूँ, सॉरी 14 के अंदर, तो 13 के साथ वो काफ़ी मैच हो रही है लास्ट टेस्ट ट्यूब, तो उसकी पीएच हम 13 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसकी बाजू वाले टेस्ट ट्यूब में काफ़ी लाइट ब्लू कलर है, तो ये लाइट ब्लू कलर ये 10 वाले पीएच के कलर के साथ मैच हो रहा है। ऐसे ही उसके बाजू में ये वाले जो टेस्ट ट्यूब है वो 9 के साथ काफ़ी मैचिंग हो रहा है, तो उसकी 9 पीएच, ये वाला 10। फिर ये थोड़ा ग्रीन है तो 8 नंबर के साथ काफ़ी मैच हो रहा है, तो उसके पीएच 8। ये जो कलर है वो काफ़ी लाइट ग्रीन जैसा हम कह सकते हैं, तो लाइट ग्रीन में ये वाला पीएच 5 से 6 के बीच में उसकी पीएच हो सकती है। फिर ये येलो कलर है, तो ये वाला येलो कलर और ग्रीन जैसे थोड़ा एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं ऐसा कलर है, तो उसको हम कह सकते हैं पीएच 4। फिर ये जो देखो ये वाली टेस्ट ट्यूब और ये वाला 0 और ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ मैच है, तो उसको 0 to 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है सिंपल पीएच स्केल। तो लोअर पीएच वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू सॉल्यूशंस विच आर मोर एसिडिक इन नेचर, कि जब ये पीएच स्केल की लोअर वैल्यूज़, तो लोअर वैल्यूज़ एसिडिक एंड हायर वैल्यूज़ इंडिकेट्स द बेसिक और अल्कलाइन कंडीशन, और जो सेंटर पॉइंट है उसका 7, इट इज़ ए न्यूट्रल पीएच। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, तो व्हाट इज़ बफर और व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। तो बफर मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन है कि जो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इन दैट सॉल्यूशन। कि समझे कि मेरे पास ये कोई बीकर है, बीकर के अंदर 2 कंडीशन हम सोचते हैं, यहाँ नीचे की ओर देखते हैं कि 2 बीकर की मैं कंडीशन बनाता हूँ। एक जो कंडीशन है वो नॉर्मल एन लिख लेता हूँ मैं, कि जिसके अंदर हम बफर ऐड नहीं करते, और उसके अंदर 100 ml जितना एसिडिक मटेरियल फिल किया हुआ है और उसकी पीएच है 3। अब मेरे पास एक और है बीकर, सेम 2 बीकर मैंने बनाए हैं, उसमें भी 100 ml है और ये भी एसिड है, उसकी भी पीएच है 3, उसकी भी हमने पीएच सेट करके रखी है 3, बट ये नॉर्मल है, उसके अंदर मैं बफर ऐड नहीं करता, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम विदाउट बफर। और ये है सेकंड वाला, बी लिख लेता हूँ, मतलब कि विथ बफर। तो अब दोनों के समझो कि इसके अंदर में बफर ऐड किया हुआ है, ये वाले के अंदर बी वाले में बफर ऐड है, ए वाले में एन जो लिखा है नॉर्मल उसमें बफर नहीं है। तो अब समझो कि मैं इसके अंदर बेसिक सब्सटेंस को ऐड करता हूँ, तो ये वाले में पीएच क्या होगी, चेंज होगी। कि समझो कि पीएच 3 है और बेसिक ऐड करने के बाद शायद उसकी पीएच 4 हो जाए, फिर और ऐड करें तो 5 हो सकता है, 6 हो सकती है, और बेसिक समझो कि ज़्यादा हो जाएगा तो वो 7 के ऊपर भी जा सकता है। बट सेम लाइक दैट ये वाले में मैं समझो कि बेसिक ऐड करूँगा तो पीएच जो है वो रहेगी अनचेंज, पीएच विल नॉट चेंज। रीज़न क्या हुआ कि इसके अंदर मैंने बफर ऐड करके रखा है, तो जिसके कारण ये जो बफर सॉल्यूशंस है वो रेजिस्ट करेंगे चेंजेस इन पीएच की, पीएच को चेंज नहीं होने देंगे इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशन इज एन एक्वियस सॉल्यूशन consisting of a mixture of weak acid and its conjugate base। तो ये अलग अलग बफर्स होते हैं कि 7 pH के बफर्स, 4 pH, 1.68, पीछे भी एक बॉटल है। तो ऐसे अलग अलग एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल pH वाले अलग अलग बफर सॉल्यूशंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अब माइंड में एक और क्वेश्चन आए कि ये बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, हाउ टू मेड और हाउ टू मेक बफर सॉल्यूशंस। तो उसका भी प्रोसीजर देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो बफर टैबलेट्स आर यूज टू मेक दिस बफर सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड और बफर टैबलेट्स की, समझो कि ये जो बफर टैबलेट्स है कि फॉर एग्जांपल ये जो टैबलेट है पीएच 4 के लिए है, pH 4। तो मैं क्या करूँगा, ये कोई एक टैबलेट ले लूँगा और उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करवा दूँगा। तो रिजल्टिंग मेरा जो भी बीकर के अंदर सॉल्यूशन बनेगा वो होगा pH 4 वाला। So the buffer tablets offer easier way to prepare buffer solutions of required concentration। कि जो भी टैबलेट होगी कि pH 4 की टैबलेट है तो सॉल्यूशन pH 4 का बनेगा, pH 7 का है तो ये सॉल्यूशन भी pH 7 की बन सकती है, 11 का है तो 11। जो टैबलेट है जैसे बफर की उस टाइप का बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो वन हैज़ टू सिंपली डिजॉल्व टैबलेट 200 ml डीआयोनाइज्ड और डिस्टिल वाटर, स्पेशली 100 ml डिस्टिल वाटर ले लेना है और उसके अंदर ये एक टैबलेट उसके अंदर डिजोल्व कर लेनी है। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस स्पेसिफाइड pH विल बी रेडी फॉर यूज़। और जैसे ही ये टैबलेट हम डिजोल्व कर लेंगे तो हमारा बीकर के अंदर ये सॉल्यूशन जो है वो रेडी है टू यूज एज अ बफर। सो कुछ कितने टाइम के ये बफर सॉल्यूशंस होते हैं, तो टोटल 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। एक है एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड सेकंड इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं एसिडिक बफर्स की, जिसकी pH होती है <7। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस हैव ए pH <7। इट इज़ जनरली मेड फ्रॉम ए वीक एसिड। ये पॉइंट पे खास याद रखो, एसिडिक बफर कैसे बनते तो वीक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट, ऑफन कॉल इट्स कॉन्जुगेट। उसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, कि उसका कॉन्जुगेट या फिर उसका सॉल्ट जो है वो हम लेंगे टू मेक दिस एसिडिक बफर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस उसका सॉल्ट CH3COONA। तो एसिटिक एसिड क्या है, एक टाइप का वीक एसिड है और उसका जो सॉल्ट है वो है CH3COONA, कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। तो इट इज़ जनरली मेड फ्रॉम ए वीक एसिड, तो ये हो गया हमारे पास एक वीक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट। वीक एसिड का ही ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का ही हमारे पास ये सॉल्ट है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें मिलेगा वो कैसा कहा जाएगा, एसिडिक बफर। बिकॉज हमने यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन ऐसे लिए कि एक है वीक एसिड, तो वीक एसिड का काम करेगा ये एसिटिक एसिड, और उसका सॉल्ट फॉर्म या फिर उसका कॉन्जुगेट जो हम कहते हैं तो CH3COONA। तो उसका वीक एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड, तो उससे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो कहा जाएगा एसिडिक बफर। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बेसिक बफर्स, तो जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, कि पीएच ग्रेटर देन 7 इज कॉल्ड ए बेसिक बफर्स एंड आर मेड फ्रॉम वीक बेस एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट। जैसे एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड लेते थे और उसका सॉल्ट लेते थे, सेम लाइक दैट बेसिक बफर्स के अंदर लेना है आपको वीक बेस एंड उसका सॉल्ट। अ वेरी कॉमन यूज एग्जाम्पल ऑफ अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ एमोनिया एंड एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कि आप एमोनिया लेते हैं या फिर उसका फॉर्म एमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसका सॉल्ट, उसका जो सॉल्ट फॉर्म लेंगे तो समझो कि NH4Cl उसका सॉल्ट फॉर्म है। तो ये दो जो है वो आप यूज़ करोगे टू मेक बेसिक बफर्स। उसका एग्जांपल देखते हैं आगे। If this were mixed in equal molar proportion, the solutions would have a pH of 9.25। तो MCQ के लिए ये पॉइंट याद रखना है, पिन पॉइंट अच्छे से। So the solution of a mixture of a weak base and its salt of this weak base with a strong acid will make the basic buffer. Example is NH4OH, कि जो एमोनिया जो हो गया हमारा वीक बेस और साथ में उसका सॉल्ट NH4Cl, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो कहा जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इस तरह से एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। हाउ द बफर वर्क्स, अब वो जानना जरूरी है कि ये बफर्स काम कैसे करते हैं। तो इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसिड एंड बेस, कि एसिड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टेबल सीखा था, मैं यहाँ पे वो टेबल ड्रॉ करता हूँ साइड में, कि एसिड के लिए A लिखता हूँ, बेसिक के लिए B लिखता हूँ, हाई एंड लो। एसिड के अंदर H+ हाई है जबकि OH- लो है, बेस के अंदर कम्प्लीटली रिवर्स OH- लो है, OH- हाई है एंड H+ लो है। तो जब आपके माइंड में ये टेबल ऑलवेज होगा तो ये बफर्स कैसे काम करते हैं वो आप इजीली समझ जाओगे। तो देखते हैं आगे अब कि एग्जांपल इस एसिटेट बफर का हम एग्जांपल लेके ये समझते हैं कि CH3COOH, कि जिसका तैयार होगा CH3COO- एंड H+। तो इस तरह से उसका आयोनाइजेशन होगा ऑफ एसिटेट बफर। तो अब समझिए कि इफ़ H+ इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, अब ये वाले सॉल्यूशंस के अंदर H+ एक्सेसिव ऐड करते जा रहे हैं हम, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, कि बहुत सारे H+ ऐड हो जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि H+ ऐड होने से क्या हाई होगा, एसिड लेवल, तो वो ना हो इसलिए क्या होता है कि H+ इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, सो इट सिंपली शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एब्सॉर्बिंग H+, सो द H+ रिमेन अनचेंज। अब H+ ज़्यादा ऐड हो रहे हैं तो H+ के लेवल को डाउन करने के लिए ये H+ को क्या करना जरूरी है, एब्जॉर्ब। तो ये H+ समझो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली H+ का जो लेवल है वो क्या रहेगा, मेंटेन, कि जितने H+ एक्सेसिव ऐड हो रहे हैं उतने एब्जॉर्ब होते जाएंगे इन दिस सॉल्यूशन। तो जिसके कारण पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उससे ऑपोजिट हम सोचते हैं कि यहाँ पे H प्लस मैंने ऐड किए, अब समझो कि मैं H प्लस को रिमूव करता हूँ। तो इफ़ H प्लस इज़ रिमूव, तो H प्लस रिमूव होते जाएगी तो क्या होगा, H प्लस की वैल्यूज़ लो होती जाएगी एंड OH माइनस इंक्रीज़ होते जाएगी कि बाय एडिंग OH, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट, रिलीज H प्लस टू कीप द pH कॉन्स्टेंट। अब H प्लस रिमूव किए जाते हैं, सॉरी H प्लस की रिमूव किए गए बाय एडिंग द OH, तो अब क्या हो रहा है कि OH ऐड हो रहे हैं, OH ऐड हो रहे हैं, तो सामने ये जो बफर सॉल्यूशंस क्या करेंगे, ये जो उसके पास रहा H प्लस वो सामने वो सॉल्यूशंस के अंदर रिलीज़ करता जाएगा। तो समझो कि एक OH ऐड होता है तो सामने एक H प्लस रिलीज़ करेगा बफर, फिर से एक और H प्लस OH माइनस ऐड हुआ तो सामने एक और OH प्लस वो रिलीज़ करेगा। तो वाइस वर्सा क्या होगा कि जितने H प्लस OH माइनस ऐड किए जाते हैं उतने तुरंत सामने H प्लस रिलीज़ होते हैं, तो रिजल्टिंग क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम के कारण जो बफर है वो जो सॉल्यूशन है उसकी pH को क्या करते हैं, मेंटेन। एंड वी कैन सिंपली से दैट pH रिमेन्स अनचेंज्ड। हम ये सेंटेंस फिर लिख सकते हैं कि pH रिमेन unchanged तो सिंपली ये हम लग सकते हैं कि pH remain the unchanged in this condition। तो इस तरह से ये जो बफर्स है वो अपना काम करते हैं। बफर के बाद इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जरूरी है सीखना, वो है बफर कैपेसिटी, कि व्हाट इज बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी के लिए जो सिंबल है वो है बीटा, is defined as the mole of an acid or base necessary to change the pH of a solution by 1। कि समझो कि pH ओरिजिनल pH 3 है, ओरिजिनल लिखता हूँ मैं, और उसको चेंज करके एक pH चेंज करनी है, 3+1 करना है चेंज करने के लिए। तो उसके लिए जो मुझे मोल्स ऐड करने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ एसिड और बेस जो मुझे चाहिए टू चेंज द pH ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 डिवाइडेड बाय द pH चेंज एंड द वॉल्यूम ऑफ बफर इन लीटर्स। कि जितने मुझे मोल्स चाहिए एसिड और बेस के टू चेंज द pH बाय ओनली 1 डिवाइडेड बाय द pH चेंज एंड द वॉल्यूम ऑफ बफर इन लीटर, की जितना बफर है उसका वॉल्यूम, तो वो है बफर कैपेसिटी। कि बफरिंग कैपेसिटी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है दो बीकर्स है हमारे पास, कि कॉन्सेंट्रेटेड बफर कैन न्यूट्रलाइज मोर एडेड एसिड और बेस देन डाइल्यूट बफर। तो बफरिंग कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट कैन बी एडेड टू बफर without causing a large change in pH. The buffering capacity increases with increasing absolute concentration of buffer components. तो ये टॉपिक जो है वो डिटेल में समझना ज़रूरी है कि what is buffer capacity। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कि पूरा डिटेल में हम एक लेक्चर अलग से लेंगे रिगार्डिंग दिस बफर कैपेसिटी। तो उससे पहले आप कितने पॉइंट्स याद रखो माइंड में, कि व्हाट इज़ pH, व्हाट इज़ बफर, बफर सॉल्यूशंस के टाइप, फिर कैसे बफर्स बनाए जाते हैं, हाउ दे मेड। तो ये वाला लेक्चर और प्रीवियस जो pH वाला था, दोनों लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, तो ही आपको ये वाला लेक्चर में अच्छे से ख्याल आएगा। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Also join in WhatsApp by WhatsApp on 94261 80836 Pharmarocks WhatsApp group. Be updated with pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarocks. For test series, video lecture and study material, download the app Pharmarocks, Android app on Google Play.